गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपको साइंस सब्जेक्ट में फूड हैबिट ऑफ एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि फूड हैबिट ऑफ एनिमल यानी कहने का मतलब है कि जानवरों के भोजन करने का अर्थ क्या है, यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसका हैबिट यानी आदत है कि हर व्यक्ति या हर जानवर हर तरह का भोजन करता है। तो उसका मेन जो है सो कि आदत क्या है, हैबिट है क्या, किस किस प्रकार के जानवर जो होते हैं वो किस टाइप के जो है सो कि वो भोजन करते हैं, आज मैं ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये जान लें कि कोई भी जानवर चाहे इंसान ही क्यों न हो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो जो है सो कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। वो जो है सो या तो डिपेंड रहेगा पौधे पर, प्लांट पर, या फिर एनिमल पर, यानी खुद पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो दूसरे पर निर्भर रहता है और दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो प्लांट यानी प्लांट का पार्ट्स जो है सब खाते हैं, कुछ जानवर एनिमल्स का पार्ट्स खाते हैं, या और कुछ जो है सब दोनों खाते हैं, यानी कि वो जो है निर्भर क्या चीज पर हो गए, प्लांट पर भी हो गए, एनिमल पर भी हो गए, ये दोनों पर निर्भर हो गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो जानवरों का या हम लोगों का भोजन करने का जो सही आदत है जो वो जो है सो कि किस प्रकार का है। जानवर जो है सो कि तीन तरह का भोजन, सबसे पहले मैं जानवर जो है सो कि तीन तरह का होता है, सबसे पहले ये जानना होगा। वो निर्भर करता है कि वो खाते क्या है, उनके खाने के ऊपर निर्भर करता है, उनके खाने के हैबिट के आधार पर तीन रूप में बांटा गया है। जानवरों के खाने के आधार पर तीन रूप में जो है सो कि एनिमल को बांटा गया है। जैसे पहला होता है कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या है, यानी कि जिसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी का मतलब होता है साग सब्जी खाने वाले, यानी कि जो पेड़ पौधे को जो खाते हैं या उनके जो पार्ट्स को जो खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं या हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरस,
जिसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, जो एनिमल्स का पार्ट्स खाते हैं यानी कि मांस मछली खाते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो दोनों खाता है। जिसे सर्वाहारी कहते हैं यानी कि दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं, जो सब कुछ खाता है। हर्बीवोरस जो साग सब्जी खाता हो, प्लांट्स के पार्ट्स को खाता हो। कार्निवोरस कुछ होते हैं जानवर जो मांस मछली खाता हो, एनिमल्स का पार्ट्स खाता हो। तीसरा होता है ओमनिवोरस जो सर्वाहारी कहते हैं, जो दोनों खाता हो, साग सब्जी और मांस मछली, यानी शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों हैं उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं, यानी सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, ऐसे सर्वाहारी कहते हैं। आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं फूड हैबिट ऑफ एनिमल, माने जानवरों के खाने के जो आधार पर जो आदत है, जैसे कि जो जानवर जिस प्रकार के भोजन करते हैं, जिस प्रकार के भोजन करने का जो उनका आदत है, शैली है, वो है जैसे कि कोई भी जानवर अपने खाना नहीं बनाता है, वो दूसरे के भोजन दूसरे ऊपर निर्भर करता है, दूसरे पर डिपेंड करता है। कोई भी जानवर चाहे इंसान ही क्यों ना हो, वो क्या है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे ऊपर निर्भर है, अपने खाना अपना खुद नहीं बनाता है, चाहे वो प्लांट्स का पार्ट्स खाए या फिर एनिमल्स का पार्ट्स खाए, लेकिन वो निर्भर है तो दूसरे पर निर्भर है, अपने ऊपर निर्भर नहीं है। उसके आधार पर तीन पार्ट्स में बांटा गया है, हर्बीवोरस, शाकाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी, ओमनिवोरस, सर्वाहारी। आज मैं ये बता दिया, अब कल के वीडियो में सभी का डिटेल से बताऊंगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस ये तीनों क्या है, इसके डिटेल में बारे में कल बता दूंगा। आज इतना ही।